संगीत में 14 महाविद्यालय से मैं आज आपके सामने बीए सेकंड सेमेस्टर साइकोलॉजी में आज हमारा जो टॉपिक है वो देखने वाले हैं। हमारे टॉपिक का नाम है आवृत्ति वितरण। नया टॉपिक है, यूनिट 4 है, ठीक है। तो आवृत्ति वितरण का मतलब क्या होता है, आई थिंक आप समझते हैं। आवृत्ति का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी, यानी कि कोई भी अंक कितने बार आया है। जैसे मान लीजिए अगर अपनी क्लास में 20 बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से दो नाम, जैसे मान लीजिए आपका जो भी नाम है, अगर दो आपके नाम के हों, ठीक है, और मतलब ऐसे समझ के चलिए, जैसे मान लीजिए आरती है, वो आरती नाम की तीन लड़कियां हों, ठीक है, और ऐसे पता चला प्रशांत नाम के दो लड़के हों, ठीक है, और ऐसे ही राहुल नाम के दो लड़के हों। तो ऐसे ही जो अपन का 20 का आंकड़ा है, अगर मान लीजिए ऐसे बच्चे हैं कि जिनके सेम नाम है और उनकी आवृत्तियाँ बार बार हैं, तो वो आप या फिर सिंगल भी कह सकते हैं। जैसे मान लो अगर आकांक्षा नाम की केवल एक ही लड़की है, तो वो यानी कि उसकी आवृत्ति कितनी है, एक। अगर हमने अभी बोला था राहुल नाम के तीन लड़के हैं, तो यानी कि राहुल की आवृत्ति कितनी है, तीन है। आवृत्ति का मतलब होता है कि कोई भी अंक कितने बार आया है, ठीक है, तो जो जितने बार उसकी गिनती होती है उसको आवृत्ति बोलते हैं। तो आवृत्ति वितरण का मतलब होता है कि जो अंक, जैसे इसमें कितने सारे अंक हैं आपके पास, कई सारे ऐसे अंक होंगे जो दो तीन बार आए होंगे आपके पास, है ना, दो से तीन बार आपके पास होंगे, है ना। तो अब आप जैसे मान लो इसमें देख लो आपका 86 कई बार आया है, ठीक है, और 89 कई बार आया है, 87 कई बार आया है, तो ऐसे कई सारे ऐसे अंक होते हैं जो जिनकी आवृत्ति बार बार होती है। अब आप अगर इनको ऐसे क्रम में लगाओगे तो आप कैसे समझोगे कि आपको इसकी जो आवृत्तियाँ हैं उसको क्रम में कैसे लगाना है। हमने आपको मीन मीडियन मोड में एक डाटा पढ़ाया था जिसे बोलते हैं हम लोग ग्रुप डेटा, व्यवस्थित प्रदत्त। तो ये जो प्रदत्त है ना, ये बिल्कुल एक तरीके से प्रदत्त तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन जो इसका जो व्यवस्थित है उसमें अब हम चेंज करना आपको बताएंगे। हमने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था कि अगर हमें डाटा को चेंज करना हो तो उसमें जो व्यवस्थित डेटा है उसमें कैसे बदलते हैं वो हम आपको सिखाएंगे, वो यही मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि डाटा को व्यवस्थित में बदलने हैं कैसे, ठीक है, उसकी मेथड क्या होती है। इसका सबसे पहला सूत्र होता है, लिख लीजिए आप, प्रसार बराबर अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक प्लस वन, ठीक है। इंग्लिश में लिखें तो रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर प्लस वन, ये हमारा सूत्र है, ठीक है। इसको लेकर के ही हम लोग जो पहला स्टेप है ये कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक और होगा, जब हमारा रेंज निकल आता है ना प्रसार, तो प्रसार को निकालने के बाद हम एक और सूत्र अप्लाई करते हैं। ऐसे ही दो फॉर्मूलाज अप्लाई होने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि हमें जो क्या बोलते हैं इसमें जो इसका CI मतलब जो ग्रुप डेटा है उसमें कैसे बदलना है इसको, ये दो फॉर्मूला होने के बाद पता चलता है, ठीक है। तो दो फॉर्मूला होने के बाद हम इसको करेंगे, तो ये सूत्र आपने लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसमें हमने आपको रख दिया है। अब इसके नीचे आप, इसमें आपको हाईएस्ट और न्यूनेस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू निकालनी है। तो हाईएस्ट आप बताओ कि इसमें सबसे बड़ा अंक, बड़ा वाला अंक कौन सा है, ठीक है। आपको देखो 88 वाले तो ज़्यादातर है, इसमें अगर कोई 9 वाला दिख रहा है बताओ, हाँ दिख रहा है, एक ही है 9 वाला, ठीक है। तो 96 कौन सा है हमारा, हमारा है 96, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारी हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, सबसे बड़ा अंक हमारा 96 है। अब हम पूछेंगे आपसे सबसे छोटा, देखो यहाँ 5 वाली लाइन तो कोई है नहीं है, तो 6 से स्टार्टिंग है, 6, 7, 8 वाली अंतर लाइन है, ठीक है। तो अब इसी में देख लो, अगर 6 सबसे अगर बड़ा है तो 6 में सबसे लोएस्ट कौन सी है, तो देखो आपकी 60 वाली है, 60 ये है, ठीक है। तो इससे नीचे तो 60 तो आई थिंक है नहीं, हमारे हिसाब से 60 कोई नहीं है, ठीक है, हाँ नहीं है। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू हमारी 61 है और हाईएस्ट वैल्यू 96 है, यानी कि 96 से 61 माइनस करिए और प्लस 1 करिए, ठीक है। तो क्या आएगा, 96 से जब हम लोग 61 माइनस करेंगे तो आएगा 35 और 1 प्लस कर देंगे तो आएगा 36, ठीक है, ठीक है। देख लीजिए जो रेंज है वो हमने निकाल ली है, ठीक है। अब रेंज निकाल ली तो रेंज के बाद हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लिखिए आप आराम से, वर्गांतरों की संख्या बराबर प्रसार बटे वर्ग अंतराल प्लस 1, ठीक है। तो इसको आपको अप्लाई करना है इसके बाद, ठीक है। तो देखिए इसमें, इसमें जो हमारा दूसरा सूत्र है वो है वर्गांतरों की संख्या बराबर प्रसार बटे वर्ग अंतराल प्लस 1। देखो प्रसार आपको मिल ही गया है, 36 है। अब इसमें वर्ग अंतराल आपको निकालना है, वो आपको रखना पड़ेगा, वो आप अपनी इच्छा से रख सकते हैं, स्वेच्छा से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका निकालना है, निकालना क्या है, वर्गांतरों की संख्या,
वर्गांतर क्या होते हैं, क्लास इंटरवल। हमने आपको ग्रुप डेटा में सीआई लिखवाते हैं, जो डेटा का स्टार्टिंग होता है सीआई और एफ, तो सीआई में हमने बताया ना क्लास इंटरवल बोलते हैं, तो वही नंबर ऑफ क्लास इंटरवल मतलब कितने क्लास इंटरवल बनने चाहिए, इसमें जितने निकल के आएंगे उतने ही क्लास इंटरवल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए प्रसाद तो आपके पास है, लेकिन वर्ग अंतराल जो होता है ना वो आप अपनी मर्जी से रखते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं रहती कि फिक्स है कि आप इतना ही रखें, बिल्कुल नहीं। डाटा की जो लंबाई है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर डाटा छोटा है तो आप एक का वर्ग अंतराल रख सकते हैं, अगर थोड़ा बड़ा है तो आप तीन का रखिएगा। ठीक है, और हमेशा ऑड नंबर में ही आते हैं, इवन नंबर में नहीं आते। ठीक है, और जैसे एक तीन पाँच सात, वैसे एक का तो कोई नहीं रखता, एक का कोई मीनिंग रहेगा नहीं, है ना, तीन पाँच सात ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया जो है वो तीन और पाँच का माना जाता है, उसमें डाटा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मतलब देखो वर्ग अंतराल जितने कम का रखेंगे ना नंबर सी आई उतनी ज़्यादा बनेंगी आपकी, ये बिल्कुल रूल है इसका, फिक्स है। अगर वर्ग अंतराल आप ज़्यादा रख लेंगे तो सी आई कम बनेंगी। ठीक है, वो अभी हम आपको सोल्यूशन बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रहता है, तो इसीलिए मान लो वर्ग अंतराल हम तीन मान रहे हैं। ठीक है, जैसे डाटा से इतना भी बड़ा नहीं है कि हम तीन के हिसाब से बना ना पाए, हैं, या फिर उसके बाद हम आपको पाँच का भी बताएंगे और सात का भी, तीनों को बताएंगे। ठीक है, ठीक, तो देखो यहाँ पे हमने तीनों सी आई मतलब जो क्लास नंबर ऑफ क्लास इंटरवल है उसके लिए तीनों का वर्ग अंतराल हमने दिखा दिया है। सबसे पहले हमने क्या बनाया है, आप सबसे पहले स्टार्टिंग से देखिए वो पाँच का वर्ग अंतराल हमने आपको दिखाया है। ठीक है, तो 36/5 + 1। ठीक है, तो प्रसार हमारे पास 36 है तो फिक्स ही है क्योंकि अभी निकाला हमने। ठीक है, तो 36/5 + 1, तो इसमें हमारा क्या है, इसमें डिवाइड करने पर 7.20 आया है। ठीक है, और प्लस वन करने पर 8.20। ठीक है, अब 8.20 जो आया है, अब इसमें से देखो 20 की ज़्यादा वैल्यू है नहीं क्योंकि राम चंद्र के कारण आ नहीं रहा है, तो हम इसको 8 मान लेंगे क्योंकि जी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 8 इसको मानिए, यानी कि सी आई कितनी बनेगी, 8। अब आप देखिएगा कैसे 8 बनता है। ठीक है, अब ऐसे ही तीन का वर्ग अंतराल देखिए, तो तीन का वर्ग अंतराल लेने पर कितनी सी आई बननी है, 13 सी आई बननी है। ठीक है, वैसे ही सात का वर्ग अंतराल लेने पर सी आई बननी है 6। अब आप देख लो ये चीज़, नोट करो आप ये चीज़ कि देखो जितनी ज़्यादा इसमें जितना छोटा वर्ग अंतराल ले रहे हैं सी आई उतनी ज़्यादा बनेगी, यानी कि तीन वाले वर्ग अंतराल में 13 बन रहे हैं, पाँच वाले वर्ग अंतराल में 8 बन रही हैं। ठीक है, और सात वाले वर्ग अंतराल में 6, यानी कि अगर वर्ग इंटरवल जो है वो आप ज़्यादा लेंगे तो सी आई कम बनेगी, और अगर इंटरवल छोटा कम लेंगे तो सी आई ज़्यादा बनेगी। ठीक, ये रूल होता है। ठीक है, तो इसमें तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि हम जब डेटा को एक मतलब एक ग्रुप डेटा में रखते हैं तो उसमें कैसे वो चीज़ें चेंज होती है। ठीक है, तो कैसे हम लोग उसको फ्रिक्वेंसी में रखते हैं। ओके, तो इसमें हमारा जो है वो आप सबसे पहले ऐसा करिए, हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं कौन सा, सात वाला बना के बता रहे हैं, कौन सा, सेवन वाला। ठीक है, तो सेवन वाले में थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा आपको। ठीक है, सबसे पहले सेवन वाला बना रहे हैं और फिर हम लोग बनाएंगे 5 और 3 वाले। ठीक है, क्योंकि ये बड़े बड़े रहेंगे। अब देखिए आप इसमें सबसे पहले तो हम ये 5 कॉलम बनाते हैं जिसके लिए हमें ग्राफ में, क्योंकि ग्राफ में बदलना है आपको पता ही है। ठीक है, तो ग्राफ में चेंज करने के लिए हम क्या बनाते हैं, आपका कॉलम। ठीक है, तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो आपका जो समाप्त जो सी आई है उसमें सी आई फ्रिक्वेंसी 2 चीज़ें होती है, आपको देखना होगा कि इसमें सी आई 3 प्रकार से निकालनी है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा बड़ा मैटर है नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत तो आपको होगी नहीं, केवल इसमें ये रहेगा कि जो फ्रिक्वेंसी और सी आई दोनों आपको इसी में निकालेंगे। देखो हमने आपको 5 कॉलम इसमें मेन होते हैं, सबसे पहला होता है समावेशी श्रृंखला जिसे बोलते हैं इंक्लूसिव, यानी कि सभी नंबरों को समावेशित करना। ठीक है, इकट्ठा करना। फिर अपवर्जी श्रृंखला। ठीक है, तो अपवर्जी श्रृंखला का मतलब होता है कि हम थोड़ा सा बाउंड्री से बाहर भी जाएँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि बाउंड्री के अंदर रहें, थोड़ा सा बाउंड्री से बाहर जाके भी देखें। ठीक है, अगला है शुद्ध वर्गीकरण। तो इसमें हम आपको बताया था कि 0.5 जो है वो माइनस और प्लस दोनों की तरफ लेके जाए, नीचे में जो सबसे लोएस्ट संख्या थी ना 61 उसके नीचे लेके आए, यानी कि 59.5। और ऐसे ही अगर हाईएस्ट वैल्यू है 101 तो इसमें 101 की जो 96 जो था ना, तो इसको ही लेके अपन को आगे बनाना है। ठीक है, ठीक है, तो ये रहेगा। ओके, तो हाईएस्ट जो संख्या है उसमें भी थोड़ा सा लेके अपन चलते हैं। फिर उनकी आवृत्तियाँ बनाते हैं और टैली चिन्ह बनाते हैं। ठीक है, इतना है। तो हमने आपको देखो सबसे पहले इंक्लूसिव सीरीज जो है समावेशी
सबसे लोएस्ट अंक कौन सा था? 60। ये चीज मेन है, ये ही याद रखनी है आपको। तो सबसे छोटा अंक क्या था? 61। सॉरी 60 नहीं, 61 है ना। तो 61 से अपन लोग नीचे लेके चले, है ना। तो क्योंकि चूंकि जब अपन को बनाना है इसमें अंक, तो हम लोगों ने यहाँ से किससे ले लिया? 60 से, ठीक है। तो 60 में मान के चलिए 61, 62, 63, 64, 65, 66, सॉरी 60 से ही लीजिए, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66। यानी कि 7 का आपने जो लिया ना, इसमें 7 में 6 का अंतराल लेना है। इसका लेना है 6 का, 7 में, है ना। अगर 7 का अंतराल लिया तो कितनी सी आई बनेगी? 6 बनेगी सी आई। तो 6 बन रही है, यानी कि 60 इसमें रख लिया है, क्योंकि 61 से स्टार्टिंग है। तो गिनेंगे हम 61 से ही, लेकिन 60 हमने स्टार्टिंग में रख लिया है, यानी कि 61, 62, 63, 64, 65, 66, ठीक है। वो भी एक पहली बन रही। अब 66 के बाद, अब 66 को तो अगले पे लिखेंगे नहीं हम लोग, तो 66 को उस पर लिखने के बजाय हमने 67 से स्टार्ट किया, ठीक है। 67 वहाँ हुई, अब आप गिनती देखिए 73 तक 6 आ रहा है, फिर 74 से 80 तक 6 आ रहा है, अंतराल आ रहा है 6 का, ठीक है। फिर 81 से 87 के बीच में 6 का अंतराल आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही 88 से 6 प्लस करेंगे तो बता रहा है 94 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसमें है 95 है, तो 95 में 6 प्लस करेंगे तो 101। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा हाईएस्ट अंक 96 था, तो हम लोग 101 तक क्यों है? इसका मतलब ये है ना, क्योंकि देखो जैसे मान लो अगर हम लोग 95 लेंगे अकेला, मान लो या 94 तक हुआ, तो क्या 96 तक कवर होगा डाटा? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए हमें 96 तो हमें लेना पड़ेगा, तो 96 लेने के चक्कर में 101 तक डाटा लाना है। लेकिन इसका मतलब ये कि 6 आपके, देख लो आप इसमें गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही बन रहे हैं। उसमें क्या बोला था? 6 ही सी आई बननी चाहिए, 6 बनी है इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल जो है वो 6 बननी थी, तो 6 बना दी, ठीक है। अब इसके बाद अपवर्जित श्रृंखला लिखनी है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, केवल जो मतलब बराबर के अंक हैं वो बराबर पर रहेंगे, ठीक है। वैसे ही शुद्ध वाली रहेगी, ठीक है। देख लीजिए इसमें जो 95 है, देखिए इसमें जो सबसे नीचे से दिखेगा अपवर्जी को, तो 60 से 67 तक कर दिया हमने, ठीक है। यानी कि 60 को काउंट ना करते हुए 67 को भी काउंट नहीं कर रही है, ना तो 60 को कर रहा है ना 67 को। तो इन्होंने उसमें दिया कि 61, 62, 63, 64, 65, 66, यानी कि एक उस तरफ एक्स्ट्रा लिया, एक इस तरफ, और बीच की संख्या का अंतराल उन्होंने रख दिया। ऐसे ही 67 से देखिए, 67 और 73 के बीच में 67 और 73 काउंट नहीं होगा, बीच में 6 का अंतराल रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा, लेकिन उसको वैसे का वैसा उतारना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हम इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं ना, उसमें बढ़ा, देखो पहली वाली में हमने 66 ही रहने दिया था तो ऊपर 67 हो गया, लेकिन इसमें हमने 67 नीचे ही लिखा है तो ऊपर कैसे बढ़ा देंगे? फिर तो वो 2 का अंतराल बढ़ जाएगा ना ज़्यादा, ठीक है। तो 6 का ही अंतराल चाहिए, 7 का नहीं चाहिए, तो 6 ही अंतराल, सॉरी अरे क्या बोलते हैं, 7 का ही अंतराल चाहिए, 8 का नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें 7 का अंतराल देने पर जो है वो इसमें ये आ रहा है, ठीक है। अब शुद्ध में आपको केवल कुछ नहीं करना है, इस तरफ से पॉइंट माइनस करना है 5.5 माइनस करना है, किस तरफ से? जो न्यूएस्ट वाले हैं, ठीक है, यानी कि 60, 67, 73 ये सब है ना, और जो ये रहेंगे इसी से निकालनी है शुद्ध वर्ग की तरफ संख्या, ठीक है। और जो हाईएस्ट वाले हैं उसमें 0.5 प्लस करना है, ठीक है, ये रहेगा इसमें। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत तो आपको होगी नहीं, बना देते हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप इसमें देख लीजिए, जो हमारा जो हमने इंक्लूसिव सीरीज बनाई थी समावेशी श्रृंखला, उसी में हमने 0.5 इस तरफ न्यूएस्ट वाली में लोएस्ट वाली में माइनस 0.5 माइनस किया, यानी कि 60 से 0.5 माइनस किया 59.5, और वहीं 66 में प्लस 0.5 किया है, तो यानी कि 66.5 आ गया है, ठीक है। तो ये है, तो ये जो है इतना, तो इसमें हम लोगों ने इस तरफ माइनस किया उस तरफ प्लस किया, इतना ही लेके चल रहा है। तो इसमें आगे शुद्ध समावेशी श्रृंखला, अब हमें बनाना है टेलीजन। टेलीजन देखो बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो क्या होती है ना कि आपको पहले से बनाना कहाँ से है, यहीं से बनाना, इसी डिजिट से, ठीक। तो जैसे कि मान लीजिए आपके सामने सबसे हमने नीचे से पहले मान लीजिए 60 से 66 के बीच में, तो 60 से 66 के बीच में कितने अंक आ रहे हैं? 2। कितने आ रहे हैं? 2। देख लो आप, देख लो 60, 61, 62, 63, 64, 60 तक में है, 61 आ गया, 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये है, ठीक है। फिर उसके बाद रहेगा 61 और ये है क्या? नहीं, 61 है, 62 है, फिर ठीक है ना, 62 भी नहीं है इसमें, 6 वाली लाइन चेक करिए, 66 तक चाहिए बनो, ठीक है। तो 60 इसमें तो 62 हाँ ये है, ठीक है, ठीक है, 62 हो गया, 2 है, ठीक है। और इसमें 60 वाली लाइन में नहीं, ठीक है। तो केवल 2 ही आंसर, यानी कि टेलीजन कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, ठीक है।
टैली चिन्ह बनाना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। देखो ये है टैली चिन्ह, ठीक है। तो टैली चिन्ह हमें आपको दिखेगा कि 7 से 66 के बीच में केवल 2 ही अंक आते हैं, एक और एक बाहर। तो यानी कि टैली चिन्ह क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है, ये जो 2 है ये आपका टैली चिन्ह रहेगा, ठीक है। और इसको हमको बनाने में दो मिनट, आपको पता ही होगा जब टैली चिन्ह हम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं सबसे पहले कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर हमें 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। और अगर हमें 5 बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे काट देंगे, तो ये क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। जैसे ये अगर 6 बनाना है तो इसके बगल में 7 8 9 10 11 ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। तो इस बस ऐसे ही टैली चिन्ह बनाने हैं हमको। तो इसके टैली चिन्ह बकाया आप निकालते रहिएगा आराम से। जैसे मान लीजिए अगला हमें क्या देखना है, हमें देखनी समावेशी सिस्टम क्या सही है, ठीक है। तो 67 से 73 के बीच में देखना है, ठीक है। तो 67 से 73 के बीच में देखिए कितने आ रहे हैं आपके यहाँ, ठीक है। तो ये हमने बाकी के टैली चिन्ह निकाल दिए।